सलाम भाइयों, सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। T20 ब्लास्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है और T20 ब्लास्ट हो भी रहा है सितंबर के महीने में। अभी तक अगर आप CPL देखा जाए, जैकपॉट पे जैकपॉट मैच ट्रेड हुए हैं, लेकिन कमाने वाले मैच भी आपको लोगों को मिले हैं सितंबर के महीने में। T20 ब्लास्ट में अभी आप कहेंगे कि भाई सितंबर में तो आज का मैच भी जो है वो स्ट्रेट हो गया, सेसेक्स जो है वो आसानी से जीत गया। क्यों जीत गया भाई? मार्केट लोड लैंकशायर पे, मार्केट लोड। इस टूर्नामेंट का जो सबसे पहला मैच अभी शुरू हुआ था, दुरम वर्सेस सरी, उसके अंदर 8 पैसे से भाव आया, 90 पैसे सरी। तो वहाँ पर भी काफ़ी मार्केट लोड देखने को मिला, क्योंकि बड़े दिनों बाद कोई बड़ी लीग का मैच आ रहा था T20। फंटरों का रश देखने को मिला, और जब भी ऐसा होता है तो मैच ज़्यादातर स्ट्रेट ही होते हैं, और इसलिए T20 ब्लास्ट में स्ट्रेट मैचेस हो रहे हैं। लेकिन नाराज़ होने की बात नहीं है, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि T20 ब्लास्ट में जैकपॉट कैसे पकड़ा जाए और क्या क्या चीज़ें हमें देखकर चलनी चाहिए। इसके क्वार्टर फाइनल 2 हो चुके हुए हैं, 2 बाकी हैं, सेमीफाइनल 2 बाकी हैं, फाइनल्स डे इनका बाकी है, तो वो हमें 14 को देखना है कि कौन जीतेगा इस वीडियो में, या कौन जो है वो हमें जैकपॉट देगा। वीडियो शुरू करने से पहले ऑनलाइन आईडी अगर आप लोगों को चाहिए, कैरेबियन लीग की मार्केट जो है वो आपको जितनी भी मार्केट आप बेट करना चाहें उतनी आपको मिलेगी। 200 से ऊपर मार्केट खुलती है मैच से पहले। एक्सचेंजेस मेरे पास दुनिया की टॉप की हैं। फ्रॉड आपके साथ अगर हो चुका हुआ है तो जेड के बुक को आपको ज़रूर मौका देना पड़ेगा कि आपको लोगों को पता लगे कि आपके जीत का पैसा वाकई में आप लोगों को मिलता ही मिलता है। और हमारे फंटरों का रिकॉर्ड है कि हमारे पास ही काम करते, कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है जितना मर्जी जीत जाएं पैसा हमें उसी वक्त जो है मैनेजर को मैसेज करें और अपना विड्रॉल लेकर जाएं। नंबर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैनेजर के साथ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल से हम स्टार्ट करेंगे। दुरम वर्सेस सरी हुआ। अब गौर से सुनिए जी का जो मैं समझाने जा रहा हूँ। सरी क्या थी? बड़ी टीम। भाव क्या खुला? 50 पैसे सरी। टॉस के बाद बेशक भाव गिर गया 10 पैसे। दुरम क्या? छोटी टीम, ठीक है। और सरी जो है वो 8 पैसे से आपको 90 पैसे भी मिली लगाने के लिए। एक बड़ी टीम मिली आपको 90 पैसे लगाने के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी दुनिया ने लॉस किया होगा। लेकिन हमारी टीम सरी ही थी, और हमने इसमें पेड मेंबरशिप में भी पैसा कमाया। अगर आपको लॉस है और आप काम करना चाहते हैं तो पेड मेंबरशिप के पैकेजेस आपको मैनेजर से मिल जाएंगे। आप अपनी लिमिट बताएं और पैकेज लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप हमारा। दूसरी चीज़, अगले मैच पर आ जाते हैं, लैंकशायर वर्सेस ससेक्स। लैंकशायर के अंदर काफ़ी मूर्तें थीं आज, काफ़ी प्लेयर थे, छक्के मार लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन ससेक्स को देखा जाए होम ग्राउंड पे खेल रही थी ससेक्स। किधर खेल रही थी? होम ग्राउंड होव में खेल रही है, और फर्स्ट टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है। मार्केट लोड तो सुलन इन पर होना चाहिए था, लेकिन इनके पास मूर्तें नहीं थी। दुनिया लैंकशायर करती रही, और हमने डायरेक्ट ससेक्स जो है वो लगाकर पैसे हमने अच्छे कमा लिए। सॉरी, लैंकशायर खाकर ससेक्स के वो प्लस किया और सीधे ही ये पैसे घर आ गए। तो एक छोटी टीम जो है, 76 पैसे लैंकशायर का भाव खुला था, एक छोटी टीम जो है ये मैच जीत गई। ऊपर बड़ी जीती सरी, इधर छोटी टीम जीती, लेकिन पैसा कमाने को भंडर को नहीं मिला। भंडर को तो चाहिए ट्रेडिंग मैच, 1-2 ट्रेड मिल जाए, 4-5 ट्रेड मिल जाए, जैकपॉट मिल जाए, तो ऐसा मैच चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़, मैं 1 मिनट वाईफाई बंद कर दूँ, नहीं तो मैसेजेस आते रहेंगे और हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये वाईफाई हमने बंद कर दिया। अब चलते हैं अगला मैच, थर्ड क्वार्टर फाइनल जो है वो नॉर्थहैम्पटन में खेला जा रहा है। अब ऊपर जाके अगर हम देखें तो होफ के अंदर मैच था, ओवल के अंदर मैच था, तो कौन जीता? सरी। होफ के अंदर मैच था तो अभी तक होम ग्राउंड टीम ही जीत रही है। अब नॉर्थहैम्पटन में मैच है, और एक बड़ी टीम होगी समरसेट नॉर्थहैम्पटन के खिलाफ। भाव खुलने पे बड़ा ये मैच डिपेंड करेगा। उससे अगला मैच अगर हम देखें तो फोर्थ क्वार्टर फाइनल है, जो कि है वॉरविकशायर बियर्स का और ग्लॉस्टरशायर का। तो वॉरविकशायर बियर और ग्लॉस्टरशायर का मैच में अगर हम देखें तो कौन सी टीम बड़ी होगी? ऑब्वियसली बर्मिंघम में जो होगी वो बियर्स ही होगी। वॉरविकशायर ही फेवरेट खुलेगी और मोटी टीम होगी ये, इन पर भी मार्केट लोड बैठ सकता है, ये आप देखिएगा। और ग्लॉस्टरशायर होगी यहाँ पर छोटी टीम। अब हमें क्या करना है कि एक चीज़ याद रखनी है, जब से मैं T20, बहुत पुराना टूर्नामेंट है ये T20 ब्लास्ट, और हम इसके किंग माने जाते हैं। जितने भी पुराने फंटर है जानते हैं कि T20 ब्लास्ट हमारा गलत नहीं होता, और सितंबर में आ जाए तो सोने पे सुहागा, सोना ही सोना।
अभी दो मैच हुए इसके, दोनों जीते हम, सही है। और 80 पैसे 90 पैसे सरी लगाया, लैंकशायर खुलते ही भाव में खा लिया। मैच से 5 मिनट पहले हम बेट कर लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट बेट होती है, फिर सेकंड एंट्री आती है। तो हमारा एक अपना स्ट्रक्चर है बेट करने का, जो अक्सर पंटरों को नहीं आता, तो वो भी आप सीख सकते हैं मेरी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके। जब टिप देंगे साथ सिखाएंगे भी। तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि यार कोई छोटी टीम अंदर घुसे क्वार्टर फाइनल की और आगे जाए, वो कैसे, कि हमेशा T20 ब्लास्ट में एक अपसेट करने वाली टीम, एक बहुत छोटी टीम, ज़्यादातर 80-90% ये टूर्नामेंट जीती भी है, छोटी टीमें जिनके ऊपर मार्केट लोड नहीं होता। तो आप लोगों ने ये चीज़ जेन में रखनी है। दो मैच रह गए हैं और दो मैच की अगर डेट्स देखी जाएं तो यहाँ पर 6 सितंबर, उसके बाद यहाँ पर 6 सितंबर लास्ट मैच है, 14 सितंबर को फाइनल्स डे है, ठीक है, सेकंड सेमीफाइनल। और ये यहाँ पर आपने छोटी टीम के साथ रहेंगे तो बचत रहेगी, मोटे मोटे प्लेयरों के साथ, बड़ी बड़ी टीमों के साथ अगर आप गए तो आप फिर पछताएंगे और कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा। ये इस टूर्नामेंट का गुड़ है। अब रह जाते हैं दो क्वार्टर फाइनल, कौन सी टीमें फाइनल्स डे पर जाएंगी। दो क्वार्टर फाइनल हैं और क्वार्टर फाइनल में हम ये देखेंगे कि जैकपॉट हमें कब मिलेगा। जैकपॉट हम 10 पैसे का 15 पैसे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। तो अभी उम्मीद मत हारिएगा, फंटर जैसे ही डिसार्ट होता है तो घोड़ा उड़ जाता है। अभी फंटर डिसार्ट हो चुका है, पहले दो मैचों में मोटा लॉस कर चुका हुआ है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इन दोनों मैचों में आपको बस जैकपॉट ढूंढना है कि भैया मैं बड़े लॉस में हूँ, काफ़ी दुनिया बड़े लॉस में है, तो भाई ऊपर के भाव में बैट ही ना करो, इन दोनों मैचों में नीचे के भाव में बैट कर लो। और फाइनल्स डे की एक बात याद रखें, फाइनल्स डे में एक 3 मैच होते हैं, एक मैच घोड़ा होना ही होना है, क्रिकेट ने कमाना ही कमाना है। ये इसी भी क्रिकेट बोर्ड के पास यही चांस होता है, उसके बाद सर्दी कड़ाके की पड़नी है। तो गरम गरम माल जब हाथ में आएगा तो सर्दी कड़ाके की नहीं लगेगी, मज़े बड़े आएंगे। तो उस मज़े के अंदर अगर हम भी अपने हाथ सेक लेंगे, हम भी दो को जैकपॉट अगर T20 ब्लास्ट में अभी बाकी हैं और वो पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि आपको कैसे पकड़ने हैं, मूर्तें नहीं देखनी, बड़ी टीमें नहीं देखनी है, छोटी टीमों के ऊपर आपने बैठना है। बड़ा बड़ा भयानक मैच भी होने वाला है, 140-50, एक छोटा टोटल 160 का बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी चेज करने के लिए, फिर एक बड़ा टोटल 178-180-200 का चेज होता हमें नजर आएगा। धड़कने संभाल लीजिएगा। अगर आप कहेंगे भाईजन विनर कौन जीतेगा कप, तो फाइनल्स डे वाला दिन हम टेलीग्राम हमारे ग्रुप के अंदर, या आपके ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चल रहा होगा, इधर हम ये फाइनल्स डे की टिप हमेशा से फ्री देते आ रहे हैं, आज से नहीं, हर साल ये टिप फ्री आती है, हमारा ये फेस्टिवल है। और हर साल हम 97% फाइनल्स डे जीते हुए हैं, एक आधी बार मेरा ख्याल हम फाइनल्स डे में एक मैच आ रहे होंगे, उसके अलावा हम कभी फाइनल्स डे का मैच एक भी नहीं आ रहे। 3 मैच होते एक दिन में, ये मैं नहीं, ये कमेंट्स में फंटर बताएंगे आपको कि हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट एडिट करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं लगाता हूँ, जिसको मेरी ज़ुबान पे तबार है काम करने आए, काम देखे, सही है। बुक के ऊपर काम कर रहा है विड्रॉ मिलेगा, अगर टिप पे काम कर रहा है प्रॉफिट मिलेगा। सब्र होना चाहिए आपके अंदर, एक फंटर को सब्र की बड़ी ज़रूरत है आजकल के इन मैचेस के दौरान। अगर वो सब्र नहीं रखेगा तो पैसा नहीं कमाएगा। दोनों क्वार्टर फाइनल में सब्र रखें, फाइनल्स डे के अंदर हम कूदेंगे टेलीग्राम के ऊपर, फिर लगाएंगे भी खाएंगे भी। और ये वो टूर्नामेंट है जिसके स्कोर तक फिगर तक मैंने बताया हुआ है कि 183 समरसेट करेगा तो 183 हुआ, 161 करेगा तो 161 नहीं हुआ। तो इधर बड़े पैसे कमाने को आपको मिल सकते हैं, आप पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मैनेजर से आके पैकेज पता करें। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि फाइनल्स डे के अंदर जो मैंने बताया इसको एक दफ़ा दोबारा मैच से पहले सुन लीजिएगा, ताकि हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। शॉर्ट्स मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पहला शॉर्ट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के ऊपर मैंने पोस्ट किया है, उम्मीद है आप लोगों को अगर ऐसे शॉर्ट्स पसंद आए तो फिर मैं और शॉर्ट्स डालता रहूँगा। खुदा हाफिज़।